किसान संगठनों की ओर से आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए रोहतक के सभी मुख्य बाजार, सभी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सरकारी कार्यालय हर रोज की तरह खुले नजर आ रहे हैं। इस हालात में यहाँ भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। दुकानदारों ने कहा कि लंबे समय से चली महामारी के कारण उनके धंधे चौपट हो गए, अब भारत बंद से क्या हासिल होने वाला है। किसानों की जायज मांगों के लिए वे हमेशा समर्थन करते रहेंगे। उधर प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बाजार में पुलिस तैनात रखी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार जी, आज भारत बंद है। भारत तो बंद है, लेकिन क्या करें, बच्चे भी तो यहीं से पालने। हमने पहले 6 महीने तो कोरोना ने मार दिया, और अब बंद करेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? काम धंधे पहले नहीं है, अब ये नया और वो है कि भाई बात तो बंद है, इसलिए हमने काम तो करना ही पड़ेगा। आप खुला रखेंगे? हाँ हाँ, अभी तक तो खुला है, बाकी आगे तो भाई जबरदस्ती होगी तो भाई बंद भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम पवन गुप्ता है जी। कारण ये है जी, व्यापारी वर्ग वैसे परेशान है, कोरोना काल में भी बंद रही दुकानें और अब भी काम नहीं है, आके वैसे खोल लेते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं जी, उनके समर्थन में हैं, उनके साथ, उनकी बातें सरकार ने सुननी चाहिए, उनकी बातें जायज हैं, जो भी हैं उनको समाधान करना चाहिए जल्दी से जल्दी। व्यापारी वर्ग तो वैसे ही परेशान है जी, और हमारी तो वैसे भी ये खाने पीने से रिलेटेड है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश केजरीवाल। हाँ जी, राजेश केजरीवाल। हाँ जी, आज बंद का आह्वान क्या हुआ था, तो आज दुकानें क्यों खुली हुई? दुकानें ये सब लोग जो है पीछे में इतने लॉकडाउन से इतने त्रस्त रहे हैं, उस कारण से आज समर्थन भी करते हुए भी व्यापार को चलाने के हक में है। तो किसानों के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखते हैं? किसानों के सब साथ हैं, किसानों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, उसको सुनना चाहिए सरकार को।